गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं यहाँ पर बेड लगा रही हूँ। आज है थर्सडे और आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो इस वजह से बिट्टू स्कूल नहीं गए हैं, अम्मू चले गए हैं जिद कर कर। और आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह 4 o'clock से, क्योंकि कुरेसी जी का कॉल आ गया था ड्यूटी का, तो हम लोग सुबह ही जाग गए थे 4 o'clock पर। तो फिर मैंने कहा अब एक आध घंटे के लिए क्या सोऊँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं अपने काम में लग गई यहाँ पर। कपड़े होते हैं तो मैं टेरेस पर डालती हूँ। स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ इवनिंग से। तो मैंने कहा आज मॉर्निंग में स्टार्ट कर दे कर दूँ ब्लॉग स्टार्ट। तो सभी हाउसवाइफ और मम्मा लोगों की हालत ऐसी ही होती होगी मॉर्निंग में, जिस तरह से मेरी है। तो अभी जस्ट मैं मुँह धो के और यहाँ पे मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। हाँ, मैं जस्ट मुँह धो के और यहाँ पर बैठी गई हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने। इसके पहले मैंने बहुत सारे काम करके रखे हैं, मतलब मैं सुबह आज मॉर्निंग में 4 o'clock पर मैंने बेड छोड़ दिया था। सुबह मैं जागी हूँ 4 o'clock से, तो और अभी टाइम हो रहा है, अभी तो 9 o'clock हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट मुँह धो के मैं बैठी हूँ। सावर लेकर यहाँ पर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने। अकेले अकेले क्यों, मम्मा को नहीं खिलाएंगे? कैसे बने पकौड़े? मिर्ची देख के खाना बेटा।
बजे। आपने बनाया? आपने बनाया तो बढ़िया। तो अभी मैंने नहा लिया है और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने आज भजिए। और बिट्टू स्कूल नहीं गए हैं। बिट्टू स्कूल इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि सुबह जब मैंने रेडी कर दिया था दोनों बच्चों को और जब उनकी बहन आई स्कूल की तब बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो हमने दोनों को मना कर दिया था कि नहीं जाओ। तो लेकिन अम्मू तो जिद करके चले गए, लेकिन बिट्टू ने जैसे सुना कि मम्मा बोली नहीं जाओ तो उसने तो ब्लेजर ब्लेजर उतारा और फेंका और बोला ठीक है मम्मा मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पकौड़े, बेसन के पकौड़े। और ये बेसन के पकौड़े मेरे घर पे बनवा दिए हैं देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा ने, क्योंकि उनका ब्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले अभी देखा था। तो वो पकौड़े बना रही थी और मेरा भी मन हो गया पकौड़े बनाने का। मैंने उनको मैसेज भी किया था कि यार रश्मि तुम तो मेरे भी घर पकौड़े बनवा दोगी। तो भाई मेरा भी मन हो गया था, होता है ना कभी कभी कुछ देख के और खाने का मन हो जाता है। तो मैं सोच रही थी और आज बारिश भी हो गई तो मैंने आज पकौड़े बना दिए। बिट्टू भी घर पे था तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अरे बहुत प्यार आ रहा है मम्मा से, चिपक रहे हो यहाँ से वहाँ से। तो आज देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा ने मेरे यहाँ पे पकौड़े बनवा दिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।